तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है? ऊपर तो होंगे आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ खास है गाइस, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे गेम के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको बढ़िया सा ग्राफिक्स और उसके अलावा गेम तो बढ़िया है गाइस। और खास बात है कि इसका ओवरऑल साइज़ भी बहुत ही कम है, एकदम बहुत ही कम साइज़ है गाइस। और खास बात है कि इस गेम को आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सकते हो, क्योंकि ये लो एंड डिवाइसेस को टारगेट करता है। और खास बात है कि आप इसे हर डिवाइस में रन कर सकते हो, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस में स्मूथली रन करेगा गाइस। तो लो एंड डिवाइसेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गेम है। और आगे बात करेंगे कि इस गेम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और उसके अलावा इसमें आपको क्या क्या साउंड ऑन सब कुछ के बारे में डिटेल इनको देंगे गाइस। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर मिल रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी ज़रूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग कंटेंट लाते रहेंगे। और इस गेम में आपको एकदम दो तीन पेचेस ऐसे भी देखने को मिलेगा जो कि आपको पसंद गेम में देखने को नहीं मिलता, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे गाइस। तो सबके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो एक छोटे से इंट्रो की ओर। तो भाई लोग आप इधर देख सकते हो, आपको एक बढ़िया सा गैरेज देखने को मिलता है गाइस, जो कि देखने में बहुत ही प्लीजिंग है। और उसके अलावा आपको एक सिंपल सा UI देखने को मिलेगा गाइस, जो कि देखने में अच्छा है। और खास बात है कि इस गेम का साइज़ अराउंड आपको 60 MB देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में, और 60 MB में आपको ये गेम बहुत कुछ ऑफर करता है। पहले तो ग्राफिक्स, उसके बाद फीचर्स, कस्टमाइजेशन, बहुत कुछ ये ऑफर करता है। तो गेम तो बढ़िया है गाइस। अभी फ़िलहाल आप इधर देख सकते हो, आपको कुछ सिंगल डेक, डबल डेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा लिवरी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और आपको ऑन्स भी देखने को मिलेगा गाइस, जो कि आप इधर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं चुप हो जाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ इस तरह के आपको ऑन्स भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको अनलॉक करना पड़ेगा गाइस, जिसके लिए आपको गेम का पैसा लगेगा, जो कि ठीक ठाक है गाइस। आपको अच्छा खासा ऑन भी देखने को मिलता है, और उसके अलावा आपको इस गेम में बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। खास बात है कि इसमें आपको लाइटिंग भी देखने को मिलेगा गाइस, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया है। अभी फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको सेव करने का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसके अलावा आप लॉग इन करके लीडर बोर्ड या कुछ वैसा भी आपको देखने को मिलता है कि इस गेम में, ये भी बढ़िया है। तो और आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलता है कि इस गेम में 9 MB के होने के बावजूद भी आपको तीन तीन कंट्रोल देखने को मिलता है, बटन, स्टीयरिंग, टिल्ट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप क्वालिटी को भी लो, मीडियम, हाई भी कर सकते हो अपने रैम के अनुसार, और हाई में भी बहुत ही स्मूथली काम करेगा गाइस। और उसके अलावा आपको कुछ ड्राइवर नेम ऐसे कुछ देखने को मिलता है। तो टोटल आपको 4 लोकेशन देखने को मिलेगा गाइस, इसका नाम आप इधर देख सकते हो, जकार्ता, बादंग, उसके बाद सिमरैंग और योगाकाटा कुछ नाम है गाइस। तो अभी फ़िलहाल आपको सिमरैंग का मैप सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, आपको एक बढ़िया सा बस स्टैंड देखने को मिलता है। एक इंडोनेशिया गेम है तो आपको इसमें सिर्फ इंडोनेशिया बसेस ही देखने को मिलेगा। और एक और बात, इसमें आपको कोई भी मोड एडिंग फीचर देखने को नहीं मिलता, और लिवरी एडिंग फीचर भी नहीं है, आपको सिर्फ डिफॉल्ट लिवरी से ही देखने को मिलेगा गाइस इस गेम में। और क्या चाहते हो गाइस, सिर्फ 50 MB का गेम है, सॉरी 60 MB का गेम है, 50 MB में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मोड एडिंग फीचर तो पॉसिबल नहीं है इस गेम में, लेकिन 60 MB के अनुसार बहुत ही वर्थ इट है गाइस, और बहुत ही बढ़िया गेम है। अंडर 100 MB में ये वन ऑफ द बेस्ट पसिमीटर गेम है गाइस, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ। और आपको अच्छा खासा इंटीरियर भी देखने को मिलेगा, और आपको सभी रियलिस्टिक साउंड देखने को मिलता है, जो कि मुझे बढ़िया लगा इस गेम का। वही हाईलाइट है गाइस, बहुत सारे रियलिस्टिक साउंड्स जो कि एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। और उसके अलावा रेन इफेक्ट तो एवरेज सा है, मतलब साइज़ के अनुसार अच्छा है, और लाइटिंग भी थोड़ा कम है गाइस, थोड़ा डिम सा लाइटिंग है। और इसमें आपको थंडर इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बढ़िया है गाइस। और हेडलाइट का थ्रो भी ठीक ठाक है, इतना अच्छा खासा थ्रो नहीं है,
लेकिन खेलने में तो बढ़िया लगेगा गाइस और बहुत ही स्मूथ लगेगा। और आपको तरह तरह के कैमरा एंगल देखने को मिलते हैं, आपको 360 डिग्री कैमरा एंगल और इंटीरियर कैमरा एंगल देखने को मिलता है, जिसमें आपको आप उधर लेफ्ट राइट देख भी सकते हो, ये भी अच्छा है। और रेन इफेक्ट थोड़ा कुछ इस तरह का आपको रेन इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो 100 mm में तो बढ़िया से आपको एक रेन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और विंडशील्ड का भी कुछ इस तरह का आपको रेन इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया है गाइस। और वाइपर का साउंड भी बहुत ही रियलिस्टिक है, आपको एक बहुत ही बढ़िया सा वाइपर साउंड देखने को मिलता है। ये साउंड में ये गेम थोड़ा आगे है गाइस, क्योंकि आपको बहुत सारे रियलिस्टिक साउंड देखने को मिलेगा, जो कि इस गेम का एक बहुत ही बढ़िया सा हाईलाइट है। और उसके अलावा ये कंट्रोल सब कुछ नॉर्मल है गाइस, जैसे कि आपको हर गेम में देखने को मिलेगा। आपको एक एक्सेलेरेटर पेडल, ब्रेक पेडल देखने को मिलेगा, और इसमें आपको कोई भी ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ऑटोमेटिक या मैनुअल ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है गाइस। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगा। और आपको एक लीवर स्टिक देखने को मिलता है, जो कि ड्राइव और रिवर्स करने के लिए। न्यूट्रल का या पार्किंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है गाइस। और इसके अलावा आपको कुछ बच्चे भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको बच्चे मीटर इंटरनेशनल में भी देखने को मिलते थे गाइस, जो कि इस गेम में भी है। और खास बात है कि जैसे बस आगे जाता है तो बस के आगे भी देखते हैं गाइस, मतलब जिस डायरेक्शन में बस जाता है उस डायरेक्शन में वो मोड़ के देखते हैं। वो भी बहुत ही बढ़िया लगा गाइस, ये छोटा छोटा अटेंशन टू डिटेल भी बहुत ही अच्छा है गाइस, और देखने में बहुत ही बढ़िया लगा, जो कि आप इधर देख सकते हो। जैसे मैं बस आगे करता हूँ तो आगे देखते हैं गाइस, इसका भी इफेक्ट अच्छा है। और इसके अलावा आपको बढ़िया सा पैसेंजर एनिमेशन भी देखने को मिलता है गाइस, ये भी अच्छा है। और आपको एक्सीडेंट वाला साउंड भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत से एक बढ़िया सा साउंड देखने को मिलता है गाइस इस गेम में, जो कि आप इधर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा आपको इम्पैक्ट साउंड देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि इसमें आपको कोई भी डैमेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता गाइस, लेकिन ओवरऑल इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा पैसेंजर एनिमेशन तो एकदम दास हुए गाइस, और कैमरा एंगल भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इधर देख सकते हो इस पैसेंजर एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है गाइस, आपको बस से भी बेटर वाला पैसेंजर एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे बढ़िया लगा गाइस। और आपको डोर ओपनिंग ऑप्शन तभी अवेलेबल देखने को मिलेगा, जब भी आप उस बस स्टॉप पर आओगे तभी आपको ग्रीन कलर का आइकॉन देखने को मिलता है गाइस डोर का, और आप चलते हुए बस में डोर को ओपन नहीं कर पाओगे और किधर और भी वो डोर को ओपन नहीं कर पाओगे गाइस। और जैसे आप रोड सिग्नल को ब्रेक करोगे तो मतलब क्रॉस करोगे तो आपको एक कुछ इस तरह का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा पुलिस वाला का, आपको एक ट्रैफिक पुलिस आकर रुकेगा गाइस इस बस को, और उसके बाद चालान भी काटेगा, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया है गाइस और बहुत ही बढ़िया सा एक फीचर है। ये फीचर भी आपको बस इस गेम में देखने को नहीं मिलता गाइस, लेकिन इसमें आपको ट्रैफिक रूल्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ेगा, वरना आपका चालान कट सकती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो गाइस। ये भी मुझे बढ़िया लगा। और ओवरऑल रेन इफेक्ट तो एवरेज सा है, मतलब MB के अनुसार तो बढ़िया है गाइस, लेकिन थोड़ा बेहतर हो सकता था। और ट्रैफिक का AI तो ठीक ठाक है गाइस, अच्छा खासा अबव एवरेज सा आपको एक ट्रैफिक AI देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको इसमें ट्रेन भी देखने को मिलता है गाइस, जिसका साउंड भी बहुत ही बढ़िया है, और ओवरऑल व्हीकल का AI भी अच्छा है गाइस, ऐसे कुछ आपको ट्रेन में दिक्कत नहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ट्रेन का मूवमेंट सब कुछ बहुत ही स्मूथ है गाइस, और ओवरऑल देखने में बहुत ही बढ़िया है। और 50-60 MB के अंदर तो बहुत ही बढ़िया सा गेम है गाइस, और लिटरली बहुत ही बढ़िया सा गेम है। और कुछ ऐसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा इस गेम में, जो कि और कोई गेम में भी देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आपको बसिन में ये ट्रैफिक सिस्टम ऐसे देखने को नहीं मिलता, मतलब चालान सिस्टम या कुछ और सिस्टम देखने को नहीं मिलता गाइस, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया है। ओवरऑल गेम तो अच्छा है गाइस, तो नीचे कमेंट करके आपके गेम कैसा लगा, मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉल रिलेटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। और अगर आपके मन में कोई और गेम हो जिसका मैं रिव्यू करना चाहूँ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर भी जल्दी रिव्यू वीडियो आएगा। तो बाय लोग, आज की वीडियो में इतना ही था, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय। Fearless.